सो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर दो बड़ी मूवी रिलीज की गई हैं, जिसमें एक का नाम है हर्ट ऑफ द हंटर जो कि एक एक्शन थ्रिलर पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है, एंड दूसरी मूवी का नाम है द वेजेस ऑफ फियर। क्योंकि एक एक्शन थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी है जिसमें हम लोगों को एक मिशन के बारे में दिखाया जाता है, एंड दोनों ही मूवी को मैंने देख लिया है, एंड दोनों ही मूवी आपको अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, एंड दोनों ही मूवी लगभग दो ही दो घंटे के आसपास की हैं, एंड इन दोनों को अगर मैं एक लाइन के अंदर रिव्यू करूँ तो मूवी मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज ही मूवी रहेगी, इवन आप इसको डिसेंट सी मूवी भी कह सकते हो। अगर आप इसको देखो भी नहीं तो भी आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो आप आगे वीडियो देख कर ही जानिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ द वेगस ऑफ फियर जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, एंड इसी के साथ साथ हमें इसमें सर्वाइवल ड्रामा भी देखने को मिलता है। और बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसमें हमें एक गैस लीक के बारे में दिखाया जाता है जो कि किसी गांव में गैस लीक होने लगती है, एंड उस गैस लीक को रोकने के लिए एक टीम को तैयार किया जाता है, एंड इस टीम का सिर्फ एक ही काम होता है जो कि नाइट्रोग्लिसरॉन को दो ट्रक में भर करके उस गैस लीक वाले इलाके में ले जाना है, एंड उस गैस लीक को रोकना है, जो कि वो करते भी ऐसा है, एंड वो नाइट्रोग्लिसरॉन को दो ट्रक में भर के लेकर निकलते हैं, एंड क्या वो वहां पर पहुंच पाते हैं। इसी बीच हमें बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही था, एंड क्या वो वहां पर पहुंच पाते हैं ये आप इस मूवी को देख कर ही जानिएगा। एंड इसके जो एक्शन हमें देखने को मिलते हैं वो भी मेरे हिसाब से बस बिलो द एवरेज ही रहे हैं, एंड ज़्यादा तो हमें एक्शन देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ हमें एक मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है, एंड इवन तो मूवी आपको कुछ जगह तो यार बोर भी करने लगती है, आप वहाँ पे मूवी को छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी इसको देखा तो मेरे हिसाब से यह मूवी सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज ही रहेगी। और इस मूवी का जो हमें प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिली वो मेरे हिसाब से अच्छी थी जो कि आपको नजर भी आती है, एंड इसी के साथ साथ जो हमें इसका बीजीएम सुनने को मिलता है वो भी मेरे हिसाब से ठीक था, एंड जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में भी हमें दिखाया और बताया जाता है। सभी कैरेक्टर के बारे में हमें डिटेल से तो नहीं बताया जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बता दिया जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर है एंड यहाँ से बिलोंग करता है। सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में हमें डिटेल से बताया जाता है कि आखिरकार ये कैरेक्टर इस लाइन में कैसे आया एंड उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, तो वो आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा एंड थोड़ी सी आपको बोरिंग सी भी फील होगी। एंड इवन आप जब इस मूवी को देख रहे होगा तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि इस कैरेक्टर के साथ कुछ भी ऐसा हो जाए, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ पर कनेक्शन बैठा ही नहीं पाते हो किसी भी कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मूवी ऐसी बनाई ही गई है कि आप इसको देखो और सिर्फ भूल जाओ। तो यह मूवी मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट सी मूवी रहेगी, अगर आप इसको ना भी देखो तो भी आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एंड अगर आप इस हफ्ते खाली हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड हाँ इसको आप फैमिली के साथ नहीं देखना तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि हमें इसके शुरुआत में ही कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसको भाई आप अपनी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते हो, एंड वो क्या है आप अकेले इस मूवी को देख कर ही जानिएगा। बात करते हैं हर्ट ऑफ द हंटर मूवी के बारे में जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है, एंड इसी के साथ साथ हमें इसमें एक्शन थ्रिलर भी देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, तो इसमें हमें दो पॉलिटिशियन आपस में भिड़ते हुए दिखाए जाते हैं जिनके बीच में अपना पिस्ता है जो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक पॉलिटिशियन से भिड़ भी जाता है, इवन उसके भाई पूरे देश की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई होती है, यहाँ तक कि आर्मी भी उसके पीछे पड़ी हुई होती है, एंड वो किस तरीके से इन सबसे निकलता है एंड क्या वो अपनी फैमिली को बचा पाता है ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिएगा। एंड जिसका विलन होता है भाई वो किस तरीके का विलन था मुझे कुछ भाई फर्क भी नहीं पड़ा यार, ये क्या ही विलन है एंड ये अपने आपको बचाने के लिए क्या ही कर सकता है। एंड इवन जो हमें हीरो देखने को मिलता है उसके साथ भी मेरा भी कुछ कनेक्शन बैठ नहीं पाया सही से, यार वो जहाँ भी मर रहा है चाहे भी इसको तड़प रहा हो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यार किसी भी कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हीरो की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, इवन हीरो के साथ क्या हो रहा है आपको बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें इसमें एक्शन भी देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से जस्ट एंड जस्ट एवरेज था, एंड हम लोगों ने इस तरीके के एक्शन तो भाई कई मूवी में देखा है, एंड इवन मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया बहुत सारी पुलिस एक साथ खड़ी हुई होती है एंड सारे ही लोग गोली चला रहे होते हैं हीरो पर, एंड हीरो अपना भाई बाइक लेकर के जा रहा होता है, इवन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ तक कि उसके एक खरोंच तक नहीं आती, वहाँ पर मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई हम लोगों ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी मूवी से। मैंने फिर भी इस मूवी को पूरा देखा तो मूवी मुझे भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, एंड इसके साथ साथ जो हमें इसका बीजीएम सुनने को मिला वो भी मेरे हिसाब से जस्ट एंड जस्ट एवरेज था, एंड जितने भी हमें कैरेक्टर
कैरेक्टर देखने को मिले वो भी आए और गए, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इवन हीरो की फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वहाँ पर भी आपको कुछ फील भी नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया एंड विलन को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इवन जो हमें कैरेक्टर की एक्टिंग देखने को मिलती वो भी मेरे हिसाब से जस्ट एवरेज थी। विलन की हमें जो एक्टिंग देखने को मिली वो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग से फील हो रही थी। क्या मूवी सिर्फ और सिर्फ जोकू की फैमिली पर ही ज्यादा से ज्यादा बेस रहती है एंड जोकू पर ही यह मूवी पूरी की पूरी चलती रहती है? इवन हमें इसकी फैमिली भी देखने को मिलती है, पार्ट लाइफ भी देखने को मिलती है कि आखिर वो पहले क्या था एंड वो अब क्या है एंड आगे वो क्या बनने जा रहा है, यही सब हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से देखने में सिर्फ और सिर्फ डिसेंट सी लगी एंड मुझे कुछ ज्यादा खास तो लगी नहीं यह मूवी। और इस मूवी का जो क्लाइमेक्स था उसको भी देख करके मैं दंग रह गया कि भाई ये क्या ही कर दिया। एंड क्लाइमेक्स मेरे हिसाब से जस्ट एंड जस्ट डिसेंट सा रहा एंड कुछ ज्यादा खास तो हमें देखने को नहीं मिला इस पूरी मूवी में, ना ही इसके क्लाइमेक्स में। हाँ इसमें है क्लाइमेक्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती जो कि मेरे हिसाब से अच्छी थी एंड ओवरऑल ये मूवी मेरे हिसाब से एक डिसेंट सी मूवी रही। एंड अगर आप इस तरह की मूवी देखना चाहते हो फिर भी इसको फैन हो तो यार आप इस मूवी को देख सकते हो एंड अगर आप इसको ना भी देखो तो भी आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये थे मेरे ओपिनियन इन दोनों मूवी को लेकर के एंड ये दोनों मूवी मेरे हिसाब से एक डिसेंट सी मूवी है एंड अगर आप इसको ना भी देखो इन दोनों मूवी को तो आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा एंड अगर आप फिर भी खाली बैठे हो तो आप देखना चाहते हो तो आप इसको आराम से देख सकते हो अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। ये मूवी आपको कैसी लगी अगर आपने अभी तक देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।